असलम दोस्तों, पाकिस्तान बाम कमला इंग्लैंड दूसरा प्रैक्टिस मैच फहर जमान और पाकिस्तान कप्तान द किंग बाबर आजम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां दोस्तों, बाबर आजम ने फहर जमान के साथ मिलकर इंग्लिश बॉलर्स को दो कर रख दिया। दोस्तों, फहर जमान और बाबर आजम ने दूसरे टी20 प्रैक्टिस मैच में कितने स्कोर किए, कितने चौके और कितने लंबे छक्के लगाए, मुकम्मल डिटेल बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जी हां दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चार टी20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान प्रैक्टिस मैचेस जारी हैं। वहीं दूसरे प्रैक्टिस मैच में इंग्लैंड टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 191 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। वहीं जवाब में आज हैरानकुन तौर पर साइम यूब की जगह बाबर आजम फहर जमान ओपनिंग पर आ गए, जिसकी एक बड़ी वजह इंग्लैंड टीम की तरफ से दिया गया 191 रन का पहाड़ जैसा हदफ भी बताया जा रहा है। दोस्तों, फहर जमान और बाबर आजम की जोड़ी ने तो आज कमाल करके रख दिया। दोस्तों, बाबर आजम ने इंग्लिश बॉलर्स को तो नानी याद करवा दी, जबकि फहर जमान भी पीछे ना रहे और दोनों बैटर के दरमियान 161 रन की पार्टनरशिप ने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त से 2-4 कर डाला और फहर जमान 50 गेंदों पर 81 रन जबकि कप्तान बाबर आजम 60 गेंदों पर 92 रन बनाने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी, पर सबसे पहले जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर